ग्रीष्मकाल के दौरान वोटिया जाति के लोग अपने गांव नीति माणा ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए अप्रैल माह में आने शुरू हो जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद वोटिया जाति के लोग यहां कृषि कार्य करते हैं तथा 6 माह के बाद शीतकाल में फिर नीचे की ओर वापस आ जाते हैं। इस साल कोरोना महामारी के चलते अभी तक लोग अपने प्रवास की ओर नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लोगों को कृषि कार्य करने की छूट दे दी गई है। इसी के तहत नीति माणा में रहने वाले वोटिया जाति के लोगों को भी कृषि कार्य हेतु नीति माणा जाने की अनुमति शासन द्वारा दे दी गई है, जिससे लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उनको नीति माणा में कृषि कार्य करने के लिए जाने की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन के चलते हुए सरकार ने सीमांत क्षेत्र चमोली के लोगों को अपने पैतृक गांव जाने के लिए अनुमति दी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह राणा, ग्राम प्रधान कागागर पर। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और साथ ही साथ नीति माणा घाटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इनको सरकार द्वारा अपने पैतृक गाँव कृषि कार्य हेतु जाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। मगर एक बात स्पष्ट नहीं है कि शासन एक टाइम में कितने लोगों को परमिशन देगा, एक गाड़ी में कितने लोग जा सकते हैं, अभी इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। किसी का कहना है कि शासन के तरफ से सिर्फ ये एडवाइजरी जारी हुई है कि एक बार में एक टाइम में एक गाड़ी से 3 लोग जाएंगे, मगर यहाँ पर जब हम लोग जब अपने गांव जाते हैं तो 2-3 फैमिली इकट्ठा होकर अपनी गाड़ी हायर करके जाते हैं, मगर ये समस्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके बारे में अभी और हमको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। सर, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य होंगे उनको करने की अनुमति दी जाएगी, और हमारे जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं जो जनपद चमोली में ही निवास कर रहे हैं उनको कृषि कार्य हेतु नीति और मलारी घाटी में जाने की अनुमति इस स्तर से जारी की जाएगी 20 तारीख के बाद। जी, किस तरह के फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी घर के कोई अगर उनको आवेदन करना होगा, उनको ये बताना होगा कि वो वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, उनकी खेती है, और आधार कार्ड उनको देना होगा अपने प्रूफ के लिए, और जिसके बाद उनको जो है नियमित रूप से मेरे स्तर से अनुमति जारी करेगी।